हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सौमेन नाथ यूट्यूब चैनल। विश्वभारती यूनिवर्सिटी जो पहले अनाउंस किया था 22 मई को कि सारा जो सेमेस्टर है उसका एग्ज़ामिनेशन होगा और एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल कर दिया गया था, जैसे कि मैंने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा और इस डिटेल का लिंक जो है मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो जाके आप दे सकते हैं। लेकिन अभी जो नया नोटिस आया हुआ है उसमें सारा जो सेमेस्टर का जो एग्ज़ामिनेशन था, स्टूडेंट्स के हेल्थ एंड सेफ एमिट कोविड-19 चलते उनको कैंसिल कर दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं विश्वभारती यूनिवर्सिटी ने क्या नोटिफिकेशन दिया हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन पहले दिया था, इन्हें पार्शियल नोटिफिकेशन, कंटिन्यूएशन, आर्लियर नोटिफिकेशन, वाइड रेफरेंस नंबर दिस 07 लास्ट डेटेड 2nd 6 2020। तो दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट इन टर्म्स ऑफ डिसीजन टेकन इन द इन मीटिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नर्स एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वाइस चांसलर हेल्ड ऑन 22nd 6 2020। यानी कि कल को जो सेंट्रल लाइब्रेरी में जो इन लोगों ने जो डिसीजन लिया, तो यूनिनमसली उसमें क्या हाईलाइटिंग पॉइंट्स है देखिए, मैं जूम कर लेता हूँ। द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ऑल सेमेस्टर्स इंक्लूडिंग स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2020 आर हेयर बाई पोस्टपोन्ड अंटिल फर्दर नोटिफिकेशन। एंड सेकेंड जो बताया गया था, जो स्टूडेंट्स लोगों को बाहर रह रहे थे उन लोगों को कैंपस में आने के लिए रिटर्न करने के लिए कहा गया था, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपली द स्टूडेंट्स हु विल स्टे आउटसाइड द कैंपस नीड नॉट कम टू इन द कैंपस नाउ अंटिल फर्दर नोटिफिकेशन इज इश्यूड इन दिस रिगार्ड। द अबव डिसीजन हैज बीन टेकन कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक इन द कंट्री रजिस्टर्ड। ये सारे देखिए कल ही का जो है, रात को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। और एक बात इसमें अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, तो देखिए जैसे कि वेस्ट बंगाल का ज़्यादा जितना सारा ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये भी चेंज कर रहे हैं। तो मैंने कल एक वीडियो बना के कहा था कि क्यों नहीं आया ये जो आपका जो नोटिफिकेशन सारे वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी का, यही रीज़न है क्योंकि बहुत सारा अपील जमा हुआ है UGC की का जो पास है, UGC के लगभग 33 crores फ्रॉम द स्टूडेंट्स एज वेल एज 1 lakh फ्रॉम द टीचर, सॉरी 1 crore फ्रॉम द टीचर्स एज वेल एज 1.5 lakh फ्रॉम द वरीड पेरेंट्स एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के पास भी वैसा ही गया हुआ है। ऑलमोस्ट 3.5 lakhs ईमेल गया हुआ है एज वेल एज 2.10 lakh ट्विटर गया हुआ है। तो सभी जो हैं सेंट्रल एंड स्टेट जितने सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कंसिडर कर रहे हैं कि आगे जाके क्या करना है, कैसे ये जो है होम बेस्ड असेसमेंट जो है वो कैसे करना है। इसलिए किसी भी हालत पे स्टूडेंट के हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ विद द स्टूडेंट्स हेल्थ बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पैंडेमिक। तो आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा वेट बहुत करना पड़ेगा क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उसमें थोड़ा डिसाइड करने में उन लोगों को टाइम लग रहा है, लेकिन जो होगा वो आपके हक में ही होगा। और इसके साथ बने रहिए चैनल के साथ और नए नए जो न्यूज़ है न्यूज़ मिलने के लिए, तो डू सब्सक्राइब सौमेन नाथ यूट्यूब चैनल, रेज द बेल आइकन एट्सेट्रा। थैंक यू वेरी मच।